अम्बाला छावनी में अनिल विज ने मानसून आने से पहले ही लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग करते रहे और हर मीटिंग में वाटर लॉगिंग की बात कर अधिकारियों को सभी नाले साफ करने के निर्देश देते रहे हैं। यही कारण है कि दो दिनों से लगातार तेज बरसात होने के बावजूद भी अम्बाला छावनी की ज्यादा गलियां साफ हैं और वहां पानी नहीं भरा। आज रविवार होने के बावजूद भी विज ने SDM सहित सभी अधिकारियों के साथ बरसात को लेकर मीटिंग की और उनसे शहर की स्थिति का जायजा लिया। अनिल विज ने बताया कि शहर में पानी आया तो बहुत, लेकिन पहले से ही इंतजाम किए हुए थे इसलिए पानी रुका नहीं। कुछ इलाकों में पानी जरूर है, लेकिन नगर पालिका की टीम लगी हुई है और एक एक नंबर भी उन्होंने जारी किया है जिस पर कोई भी फोन करके जानकारी दे सकता है। विज ने बताया कि 2643200 आपात नंबर जारी किया हुआ है जहां पर स्टाफ भी बैठा हुआ है और वे सहायता भी करते हैं। विज ने बताया कि रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी सभी अधिकारी व उनकी पार्टी के सदस्य सारे शहर का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। टांगरी नदी उफान की स्थिति पर क्या किया जाएगा, इस सवाल के जवाब में विज ने कहा कि टांगरी नदी अभी लिमिट में चल रही है और अगर बढ़ेगी तब देखेंगे। हो सकता है नदी के किनारे रह रहे लोगों को शिफ्ट करना पड़े, उसका इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। तेज बरसात में थाना महेशनगर के एक कमरे की छत गिर गई है। इस पर विज ने कहा कि थाने के एक कमरे की छत गिर गई है, इसके लिए उन्होंने पुलिस थाने के लिए जमीन ली हुई है जहां पर नई बिल्डिंग जल्द बनाई जाएगी और इसको भी ठीक किया जाएगा। पानी निकल गया सब तरफ से, आया बहुत था पानी, और क्योंकि नाले वगैरह सब समय पर साफ हुए हुए थे तो सारा पानी निकल गया। कुछ इलाकों में है वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं और हमने एक इमरजेंसी नंबर भी शुरू किया हुआ 2643200 और नगर पालिका में वहाँ पर स्टाफ भी बैठा हुआ है और सारे साधन वहाँ पर रखे हुए हैं कि अगर कोई दिक्कत आए तो उनकी सहायता करने हमारा स्टाफ तुरंत जा रहा था। अरे सारे अधिकारियों ने सुबह से ही, मैं भी, सारे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अधिकारी सारे शहर का राउंड ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर दिक्कत हो लोगों की सहायता की जा सके। टांगरी अभी तो लिमिट में ही चल रही है और अगर बढ़ेगी तो उसका फिर देखेंगे फिर कैसे करना है, और हो सकता है कि नदी के किनारे वाले लोगों को शिफ्ट करना पड़े, उसका हमने इंतजाम किया हुआ, उसका धर्मशालों में शिफ्ट करेंगे। कृष्णनगर थाने का एक कमरे की छत गिरी है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, हमने जमीन ले ली हुई है और उसके टेंडर प्रक्रिया चल रही है, नया थाना बना के देंगे और इसको भी हम ठीक करवा देंगे।